तो फाइनली गाइस मैं अपने गेम के अंदर सुपरमार्केट को ले लिया है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर सुपरमार्केट को कैसे ले सकते हो और सुपरमार्केट आप लोग कहाँ पे देखने को मिलेगा, चलो मैं आप लोग को इसका लोकेशन बता देता हूँ। पहले गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर को ले लिया और ट्रैक्टर काफी ज्यादा हौसल मग रही है। तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर को कैसे ले सकते हो और ट्रैक्टर का क्या चीज को नंबर है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। और गाइस आप लोग ये देख लो गाइस, मैं आरजे शुल्क की मदद से अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कर लिया है। गाइस आप लोग आरजे शुल्क के अंदर कौन सी कोड डाल के टीवी को ऑन कर सकते हो, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। आज मैं गाइस आप लोग खतरनाक वाला गुड न्यूज भी देने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग खुद से नाचने वाले हो। इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रेड गेम का आने वाला अपडेट आप लोग कब देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग को इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रेड गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड जितना वन साल को वीक शॉर्ट आउट जाता है, अगर आप लोग भी गाइस वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट लेना चाहते हो तो आप लोग मेंबर शॉर्ट आउट को जाकर ज्वाइन करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को शॉर्ट आउट दिया जाएगा। और गाइस आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप जगह फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग न्यू अपडेट से रिलेटेड मेरे को भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसको जब 100% दूंगा तो आप जगह फॉलो जरूर कर लेना। और इस वीडियो का 6 के लाइक का टारगेट है गाइस, तो आप लोग 6 के लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर सुपरमार्केट को कैसे बना सकते हो। सुपरमार्केट गाइस आप लोग जहां पे स्पॉन कराना चाहते हो गाइस वहां पे आ जाना। हम लोग गाइस गेम के अंदर यहां पे शॉप को स्पॉन कराना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, आरजे शुल के अंदर जाएंगे और गाइस यहां पे हम लोग टाइप करेंगे S10। जैसे गाइस आप लोग S10 टाइप करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर शॉप स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने शॉप को स्पॉन करा दिया है। और गाइस आप लोग शॉप के अंदर कैसे जा सकते हो ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोग को शॉप को यहाँ पे फिक्स करना सिखा देता हूँ, उसके लिए गाइस आप लोग को मोड को ऑन कर लेना है। और गाइस आप लोग ने ये जो शॉप को स्पॉन करा है इसके पास आप लोग को चले जाना है, तो ये आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और ये जो शॉप है इसको गाइस आप लोग को रोड के साइड में लगा देना है। एंड रोड का लाइन है और शॉप का लाइन दोनों को मिला दोगे तो गाइस ये परफेक्ट फिक्स हो जाएगा रोड के साइड में। तो आप लोग देख सकते हो गाइस रोड के साइड में ये परफेक्ट फिक्स हो चुका है। तो गाइस अभी मैं इसको पूरी तरीके से रेडी करके दिखाऊंगा और इसके अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड अभी गाइस हमारा जो शॉप है वो पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, तो इसके अंदर गाइस प्रॉप्स वगैरह को डालना है। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को P7 वाले प्रॉप्स को डालना है। तो P7 स्पॉन कराने के बाद गाइस आप लोगों को इसके पास चले जाना है और ये आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और इसको गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को लगा देना है। तो चलो गाइस मैं प्रॉप 7 को यहाँ पे शॉप के सामने लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने शॉप के सामने यहाँ पे प्रॉप्स को लगा दिया है। हमारा जो शॉप है गाइस वो और भी काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो चलो गाइस अब हम लोग यहाँ पे छोटा वाला प्रॉप्स को लगा देते हैं। तो उसको स्पॉन कराने के लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा, P8 डायल करना है। जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर P8 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर 8 नंबर का प्रॉप्स, एंड ये जो प्रॉप्स है ये आप लोग को स्मॉल देखने को मिलेगा। और गाइस ये जो आप लोग को प्रॉप्स देखने को मिल रहा है गर्बेज वाला जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसको गाइस हम लोग शॉप के इस तरफ दे देंगे ताकि पूरी तरीके से रियलिस्टिक लगे हमारा शॉप। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे ये 8 वाला प्रॉप्स को लगा देते हैं। और यहाँ पे लगाने के बाद गाइस हमें क्या करना है, तो गाइस हमें ट्री को भी लगाना है ताकि गाइस हमारा जो शॉप है, चलो गाइस हम लोग ट्री को भी लगाते हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा जो शॉप है वो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है देखने में। और गाइस ये यहाँ से मूव भी कर गया है, तो गाइस मूव ना करे इसके लिए आप लोग को कोड डायल करना पड़ेगा। तो वो कौन सा कोड है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग मोड को ऑफ कर दोगे तो आपका जो शॉप है गाइस ये मूव नहीं करेगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे मोड को ऑफ इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरे को ट्री को लगाना है और साथ ही गाइस प्रॉप्स 1 को लगाना है, लाइट वगैरह को लगाना है, इसलिए गाइस हम लोग यहां पे अभी मोड को ऑन नहीं करेंगे, सॉरी ऑफ नहीं करेंगे। तो चलो गाइस अब शॉप के बगल में यहां पे हम लोग ट्री को लगा देते हैं। तो ट्री को लिए गाइस हम 4th नंबर का ट्री को लगाएंगे। तो उसके लिए गाइस मेरे को T4 डायल करना होगा, लेकिन गाइस ये जो ट्री है ये बिल्डिंग के अंदर चला गया है, तो मेरे को फिर से गाइस यहां पे दूसरा ट्री को स्पॉन करना होगा। तो मैंने यहां पे गाइस दूसरा ट्री को स्पॉन करा दिया है। एंड अगर आप लोग ट्री को मूव करवाना चाहते हैं तो आप लोग ट्री को मूव भी करवा सकते हो उसके पास जाके। तो गाइस अब मैं आप लोग प्रॉप्स 11 को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, जो हमारे हाउस को और भी ऑसम बनाएगी। तो इसके लिए मेरे को P11 डायल करना होगा एंड हमारे गेम के अंदर 11 नंबर का यहाँ पे प्रॉप्स स्पॉन हो जाएगा। और इसके ऊपर गाइस हम लोग लाइट को भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स को फिक्स कर लेता हूँ रोड के साइड में लगा के। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने प्रॉप्स 11 को रोड के साइड में लगा दिया है। एंड अब मैं आप लोग को बताऊंगा इस प्रॉप्स के ऊपर आप लोग लाइट को कैसे लगा सकते हो। तो लाइट को लगाने के लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा P4, ठीक है। जैसे गाइस आप लोग P4 टाइप करोगे तो गाइस आप लोग गेम के जो प्रॉप्स है उसके ऊपर लाइट लग जाएगा। और आप लोग देख सकते हो गाइस अब हमारा जो शॉप है ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक लग रहा है। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे शॉप को रेडी कर दिया है। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग शॉप के अंदर कैसे जा सकते हो। तो अगर आप लोग शॉप के अंदर जाना चाहते हो तो कोई सा भी आप लोग को व्हीकल्स को स्पॉन करा लेना है। तो मैं यहाँ पे गाइस न्यू थार को स्पॉन कराऊंगा, आप लोग भी न्यू थार को ही स्पॉन कराना क्योंकि न्यू थार बेस्ट रहेगा स्ट्री को करने के लिए। अब आप लोग को क्या करना है गाइस, आप लोग को थार को स्पॉन कराने के बाद गाइस क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस आप लोग को शॉप के बगल में चले जाए
जाना है और जो दीवार मिलता है उसमें गाइस आप लोग को थार को चिपका देना है। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ पे थार को चिपका देते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने थार को चिपका दिया है और जैसे थार चिपक जाए पूरी तरीके से तो आप लोग को क्या करना है गाइस, आप लोग को कार से एक्सिट हो जाना है। जैसे गाइस आप लोग एक्सिट हो गए तो गाइस आप लोग शॉप के अंदर चले जाओगे। आप लोग देख सकते हो गाइस हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं, बट गाइस आप लोग को शॉप के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये जो शॉप है ये बिल्डिंग वाली शॉप है, इसलिए आप लोग को शॉप के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जब हमारे गेम के अंदर गाइस पूरी तरीके से शॉप को ही ऐड कर जाएगा उसके अंदर जाओगे तो आप लोग को गाइस काफी सारे वहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। जो भी शॉप के अंदर होता है वो गाइस आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी गाइस गेम के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग शॉप बना के एंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोग अपने गेम के गाइस रियल में शॉप को ऐड करवाना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग हमारे वीडियो के नीचे अधिक से अधिक कमेंट कर देना कि भाई इन्होंने भाई का ड्रैगन थ्रेड गेम के अंदर रियल शॉप को ऐड करवा दो। अगर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करोगे तो गाइस मैं डेवलपर को बोल के इन्होंने भाई का ड्रैगन थ्रेड गेम के अंदर रियल शॉप को ऐड करवा दूंगा और जैसे हमारे गेम के अंदर रियल शॉप ऐड हो जाएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर दूंगा। अगर आप लोग को गेम के अंदर रियल वाले शॉप ऐड करवाना है तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे अधिक से अधिक कमेंट जरूर कर देना। मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर को कैसे ले सकते हो और इसका चीट कोड नंबर क्या है। चलो गाइस मैं आप लोग को ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर बताता हूं। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को न्यू अपडेट में आने वाले न्यू चीट कोड नंबर बताता हूं। तो जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 3005 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर निशान जीटीआर कार देखने को मिल जाएगा और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 400 डायल करोगे तो गाइस न्यू अपडेट में आने वाले न्यू जेड एक्सटेंडर बाइक देखने को मिल जाएगी और जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर 1210 यानी कि 1210 डायल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर न्यू केटीएम देखने को मिल जाएगा और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर 3880 डायल करोगे तो आप लोग गेम के अंदर हैमर देखने को मिलेगा और 6677 डायल करोगे गाइस तो आप लोग गेम के अंदर जेसीबी देखने को मिल जाएगा और जैसे गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर डायल करते हो यहाँ पे 2020 तो गाइस आप लोग गेम के अंदर जो इंडावर कार देखने को मिलता है वो इंडावर कार गाइस इस बार की अपडेट के अंदर रिमूव हो जाएगी। तो अभी जो आप लोग गेम के अंदर 2020 डायल करते हो और आप लोग गेम के जो इंडावर कार देखने को मिलती है गाइस ये इस बार की अपडेट के अंदर रिमूव हो जाएगी और इसके जब गाइस आप लोग इंडावर कार का न्यू मॉडल यानी कि मॉडिफाइड वाला इंडावर कार देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस 8123 डायल करते हो तो गाइस आप लोग गेम के अंदर मस्तंग जीटी देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप लोग अपने गेम के गाइस डायल करते हो 300 तो आप लोग गेम के अंदर गाइस टार्जन कार देखने को मिल जाएगी और गाइस अगर आप लोग अपने गेम के अंदर 400 डायल करते हो 4000 डायल करते हो तो आप लोग गेम के गाइस फोर्स कार देखने को मिल जाएगी और फोर्स कार का चीट कोड नंबर काफी बंदे को नहीं पता था तो मैं आप लोग फोर्स कार का चीट कोड नंबर बता दिया हूं। एंड अगर आप लोग अपने गेम के गाइस डायल करते हो 2244 तो आप लोग गेम के अंदर गाइस सुपरा देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप लोग अपने गेम के अंदर गाइस 3100 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर बोलेरो कार देखने को मिल जाएगा और बोलेरो कार का भी चीट कोड नंबर काफी बंदे को नहीं पता था तो गाइस 3100 से आप लोग अपने गेम के अंदर बोलेरो कार को स्पॉन करा सकते हो। काफी बंदे गाइस बोट का चीट कोड नंबर पूछ रहे थे तो गाइस बोट को स्पॉन कराने के लिए आप लोग को डायल करना होगा 3001 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर बोट देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर ट्रैक्टर को कैसे ले सकते हो, ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर क्या है। तो गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई इन्होंने भाई का ड्रैगन थ्रेड गेम के अंदर ट्रैक्टर को ऐड करवाओ, ट्रैक्टर को ऐड करवाओ। तो फाइनली गाइस ट्रैक्टर का मॉडल मिल चुका है और ट्रैक्टर गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। गाइस आप लोग गेम के अंदर फार्मिंग ट्रैक्टर ऐड करवाना चाहते हो या फिर गाइस आप लोग सिद्धू मूसे वाले ट्रैक्टर को ऐड करवाना चाहते हो या फिर गाइस आप लोग कोई अदर सा ट्रैक्टर ऐड करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। जो भी ट्रैक्टर ऐड करने के लिए कमेंट करोगे वो ट्रैक्टर गाइस आप लोग गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी क्योंकि सारे ट्रैक्टर का मॉडल अवेलेबल है। तो जो भी मॉडल ऐड करने के लिए आप लोग कमेंट करोगे वो मॉडल गाइस आप लोग गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग गेम के अंदर कौन सा ट्रैक्टर का मॉडल चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके बता दो। जैसे गाइस हमारे गेम के अंदर ट्रैक्टर ऐड हो जाएगा तो गाइस मैं आप लोगों को ट्रैक्टर का गेम प्ले और साथ ही ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर भी बता दूंगा। तो आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे गाइस मैं ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो से गाइस आप लोग ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर ले सकते हो एंड आप लोग भी अपने गेम के गाइस ट्रैक्टर को स्पॉन करके उसे ड्राइव कर सकते हो। तो आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि जैसे मैं ट्रैक्टर का चीट कोड नंबर वाली वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हां गाइस आप लोगों को गेम के अंदर कौन सा ट्रैक्टर चाहिए उसका कमेंट जरूर कर देना। मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कैसे कर सकते हो एंड आप लोग यहां पे देख सकते हो गाइस मैं अपने गेम के अंदर टीवी को ऑन कर लिया है। आप लोग टीवी को ऑन कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोग को बता दूं। तो गाइस आप लोग टीवी को टीवी वाले ऑप्शन से ऑन कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो गाइस मेरे को टीवी ऑन करने का ऑप्शन मिल चुका है और इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे गाइस तो आप लोग को टीवी ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा और उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही गाइस आप लोग का जो टीवी है वो ऑन हो जाएगा। तो आप लोग टीवी ऑन करने का ऑप्शन कैसे ले सकते हो वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो गाइस अगर आप लोग टीवी ऑन करने का ऑप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग को हमारे वीडियो के नीचे टीवी ऑन का कमेंट करना होगा। वैसे गाइस आप लोग टीवी ऑन करने के लिए काफी टाइम से कमेंट कर रहे हो लेकिन गाइस गेम के अंदर अभी तक आप लोग को टीवी ऑन देखने को नहीं मिला। टीवी ऑन क्यों देखने को नहीं मिला वो तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बताता हूं। तो गाइस हमारे टीवी के लिए नो कॉपीराइट अभी मूवी क्लिप नहीं मिल रहा है। गाइस आप लोग कार्टून क्लिप बोल सकते हो वो क्लिप अभी गाइस टीवी के लिए नहीं मिल रहा है इसलिए गाइस डेवलपर हमारे गेम के अंदर अभी टीवी को ऑन नहीं कर रहे हैं। गाइस टीवी के लिए यहां पे कॉपीराइट फ्री कार्टून वीडियो मिल जाएगा तो गाइस हमारे गेम के अंदर टीवी को भी ऑन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी गाइस गेम के अंदर टीवी को ऑन करना चाहते हो तो चलो गाइस मैं
आप लोग को बता देता हूँ गाइस अभी आप लोग अपने गेम के अंदर टीवी को कैसे ऑन कर सकते हो। अभी गाइस आप लोग टीवी को ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग को इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA भी गेम को आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को जो टीवी मिलता है उसके पास जाओगे तो आप लोग को टीवी ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस गेम के अंदर गाइस आप लोग टीवी को ऑन भी कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो गाइस मैं इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA भी गेम के अंदर टीवी को ऑन कर लिया है। इस गेम के अंदर गाइस आप लोग टीवी को ऑन कर सकते हो। और गाइस इस गेम के अंदर आप लोग को जी वैगन देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, लायन देखने को मिलता है, फ्लाइंग बाइक देखने को मिलता है, फुटबॉल देखने को मिलता है, बस देखने को मिलता है, एम्बुलेंस देखने को मिलता है। चलो गाइस मैं आप लोग को उन सभी का भी चीट कोड नंबर भेजता हूं ताकि गाइस आप लोग जब इस गेम को डाउनलोड करोगे तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग एम्बुलेंस को ड्राइव कर सकते हो, बस को ड्राइव कर सकते हो, जी वैगन को ड्राइव कर सकते हो, एलिफेंट को ड्राइव कर सकते हो, लायन को राइड कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को एम्बुलेंस का चीट कोड नंबर भेजता हूं। तो उसके लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 4601 4601 डायल करो गाइस तो इस गेम के अंदर आप लोग को एम्बुलेंस देखने को मिल जाएगा। और आप लोग देख सकते हो एम्बुलेंस काफी ज्यादा ऑसम लग रही है। अब मैं गाइस आप लोग को बस का चीट कोड नंबर भेजता हूं। तो बस को स्पॉन कराने के लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 4602। जैसे आप लोग 4602 डायल करोगे तो गाइस आप लोग गेम के अंदर बस देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो गाइस बस स्पॉन हो चुका है। एंड अगर आप लोग इस गेम के अंदर गाइस एलिफेंट को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग को डायल करना होगा 4502। जैसे आप लोग 4502 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर आप लोग को एलिफेंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग लायन को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को 4501 डायल करना होगा एंड इस गेम के अंदर आप लोग को लायन देखने को मिल जाएगा। और गाइस इस गेम के अंदर आप लोग को जेबरा, जिराफ, लायन, हिप्पो, कैमल, BMW कार और साथ में गाइस आप लोगों को फ्लाइंग बाइक और गोस्ट स्टिक भी मिलता है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को उसका भी चीट कोड नंबर देता हूं। तो मैं आप लोगों को गाइस जिराफ का चीट कोड नंबर देता हूं। तो उसके लिए गाइस आप लोगों को डायल करना होगा 4508 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर आप लोगों को गाइस जिराफ देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस गेम के अंदर गाइस डायल करते हो 2023 तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोगों को जी वैगन देखने को मिलेगा। एंड इस गेम के अंदर अगर आप लोग BMW कार को स्पॉन करने लगे गाइस आप लोगों को डायल करना होगा 2022 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर गाइस आप लोग को यहाँ पे निशान GTR देखने को मिलेगा। और BMW को स्पॉन करने के लिए आप लोग को 2021 डायल करना होगा एंड BMW देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस गेम के अंदर 2011 डायल करोगे तो इस गेम के अंदर आप लोग को वैन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इस गेम के गाइस डायल करते हो 2006 तो इस गेम के अंदर आप लोग को ऑल्टो कार देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग अपने गेम के गाइस फ्लाइंग बाइक को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग डायल करना होगा 6200 एंड इस गेम के अंदर आप लोग को फ्लाइंग बाइक देखने को मिलेगा। और गोस्ट स्टिक को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग 201 डायल करना होगा एंड इस गेम के अंदर आप लोग गोस्ट स्टिक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस और भी काफी सारे चीट को नंबर है लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो अगर आप लोग इसका ऑल चीट को नंबर जानना चाहते हो और फुटबॉल का भी चीट को नंबर जानना चाहते हो तो मैं अपने सेकंड चैनल पे बता चुका हूं। तो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से सब्सक्राइब भी कर लेना। और वहां पे आप लोग को इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA गेम का अपडेट भी मिलता रहता है। तो आप लोग जाके वहां पे सब्सक्राइब कर लो और अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलर वीडियो को वॉच करो। एंड अभी गाइस आप लोग इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA गेम के गाइस जो टीवी देखा और उसके अंदर आप लोगों ने क्लिप देखा है वो क्लिप अवेलेबल है। तो अगर आप लोग गाइस वो क्लिप चाहिए, कार्टून क्लिप चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को नीचे कमेंट कर देना। अगर आप लोग वो क्लिप चाहिए तो गाइस हमारे गेम के अंदर आप लोग को जल्दी टीवी भी ऑन देखने को मिल सकता है क्योंकि वो क्लिप अवेलेबल है और वो क्लिप नो कॉपीराइट भी है। तो हमारे गेम के अंदर अगर आप लोगों को वो क्लिप देखना पसंद है आप लोग गाइस हमारे वीडियो को नीचे कमेंट कर देना कि भाई इंडियन कार बाइक ड्राइवर GTA गेम के अंदर जो टीवी मिलता है उसका मूवी क्लिप हमें पसंद है और वही वाली मूवी क्लिप सॉरी कार्टून क्लिप हमारे गेम के अंदर ऐड करवा दो। तो गाइस मैं डब्लू के बोल के वही वाली जो कार्टून क्लिप है मैं गेम के अंदर ऐड करवा दूंगा। एंड आप लोग गाइस टीवी ऑन के लिए आप लोग हमारे वीडियो के नीचे अधिक से अधिक कमेंट करते रहना ताकि गाइस आप लोग गेम के अंदर जल्दी टीवी ऑन भी देखने को मिल जाए। मैं गाइस आप लोग गुड न्यूज देता हूँ। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा इंडियन बाइक ड्राइविंग थर्ड गेम का आने वाला अपडेट आप लोग कब देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी आप लोग को 2 दिन पहले फिर से अपडेट ही मिला, अपडेट मिलने वाला है गाइस। उसके अंदर आप लोग को काफी सारे न्यू चीजें देखने को मिलेगी तो उसमें गाइस टाइम तो लगेगा। गाइस हमारे गेम के अंदर कुछ चीजें ऐड हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थर्ड गेम का आने वाला अपडेट आप लोग कब देखने को मिलेगा। तब तक मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहिए कि गाइस इस बार की अपडेट के अंदर गाइस आप लोगों को सीक्रेट व्हीकल्स मिलने वाला है और वो सीक्रेट व्हीकल्स क्या है गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोगों को गेम के अंदर क्या-क्या चीजें चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। जो भी ऐड करने के लिए कमेंट करोगे मैं लोगों को बोल के ऐड करवा दूंगा। तो आप लोग क्या-क्या चीजें ऐड करना चाहते हो आप लोग कमेंट करके बता दो। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय-बाय।